आज हम एक बार समझते हैं लैक्टोज को, ठीक है? नाउ लैक्टोज के लिए हमने क्या क्या बोला आपको? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अच्छे समझिएगा प्लीज, जब दोनों को जोड़ा जाता है ना तो वापिस उल्टा चलते हैं, क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है, उल्टा चलना पड़ता है, ठीक है? फिर बच्चों यहां पर आओ, इधर ध्यान देते हैं। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में एक ही अंतर है, चौथे कार्बन पे चेंज हो जाए। चौथे कार्बन में यहां पर क्या होता है? लेफ्ट में एच, यहां पर क्या होता है? ओ एच। गैलेक्टोज में क्या होगा? लेफ्ट में ओ एच और राइट में एच। ये बात आपको मेनली ध्यान रखना है, ठीक है? लेफ्ट में ओ एच और राइट में क्या होगा? एच। नेक्स्ट, तो पहले गैलेक्टोज बनाओ, पर कौन सा वाला? बीटा वाला। बीटा वाला जब गैलेक्टोज बनाते हो आप, तो ऊपर राइट साइड में ओएच होता है कि राइट साइड में एच होता है? ठीक है, राइट साइड में ओएच क्या बोलते हैं? अल्फा। और राइट साइड में एच क्या बोलते हैं? बीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ये सी वन कहलाएगा, ठीक है ना? अब बीटा डी गैलेक्टोज, अब यहां पर इसको ऐसे बनाए, ठीक है? राइट साइड में क्या होगा बीटा के? तो एच होगा। राइट साइड का मतलब क्या होता है? नीचे, और लेफ्ट का मतलब ऊपर। से यस, ठीक है। एक बार फिर से, राइट में ओ एच क्या बोलना है? अल्फा। लेफ्ट में ओ एच क्या बोलना है? बीटा। सॉरी, फिर वही एच ओ एच, ओ एच एच, बट यहाँ पे उल्टा ओ एच एच। जैसे ये चौथा है ना, ग्लूकोज में क्या होता है? एच ओ एच, पर गैलेक्टोज में क्या होता है? ओ एच एच। एक यही चेंज था, गॉट दिस? प्लस क्या जोड़ा हमने? बीटा डी ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज बीटा डी, नाउ ग्लूकोज जोड़ा, पर लिंकिंग कौन सी जगह पर है? चौथी जगह पर। तो वन टू थ्री और यहां जुड़ेगा, वन वहां होगा। तो वन में क्या, यहां पे क्या करेंगे बोलो? बीटा है ना, हाँ, स्टूडेंट्स यू कैन सी कि दोनों स्ट्रक्चर को एनालिसिस करोगे तो अगेन किसका रिमूवल होगा? एच। अब सुनना, लिंकिंग कैसे होगा? एच ओ एच यूं जाएगा, ठीक है? ये चला गया, आपको एग्जाम्पल ये बनाना है। अब समझना, मैं इस पूरी चीज को हटा रहा हूं, ये चला गया, ठीक है? और ये जो ऑक्सीजन है, ये आपके ऐसे लिंकिंग में आएगा, ओके? याद रहे, इट इज कॉल्ड क्या? लैक्टोज।